हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में अध्ययन करेंगे लघु बीजाणु या परागण की संरचना। लघु बीजाणु या परागण की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन लघु बीजाणु क्या है। इससे पहले बायोलॉजी क्लास में अध्ययन किया था परागकोष के स्फुटन। परागकोष के स्फुटन के बाद में परागकण हैं जो बाहर आ चुके थे, तो आज हम उसी परागकण या लघु बीजाणु की संरचना की बात करेंगे। परागकण नर युगम कोदभिद की प्रथम कोशिका है। प्रथम कोशिका है क्योंकि नरयुगम कोदभिद क्या है, एक अंकुरित परागकण है। नरयुगम कोदभिद क्या है, एक अंकुरित परागकण है जिसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो नरयुगम कोदभिद की जो प्रथम कोशिका है वो कौन होता है, परागकण होता है। यह एगुणित, जिसकी संरचना भी बात करेंगे। एगुणित का मतलब एन होता है, एक कोश की एक केंद्र की गौ संरचना है। एगुणित प्रकार का होता है, अर्थात एन होता है। परागकण का व्यास होता है जो सामान्यतः 25 से 50 मिमी होता है। इसका व्यास सामान्यतः 25 से 50 मिमी होता है। सबसे छोटे आकार का परागकण होता है जो मायोसोटिस एल पेस्टिस सबसे छोटे आकार का परागकण होता है जिसका आकार होगा 10 मिमी होता है। इसका आकार 10 मिमी होता है। और सबसे बड़े आकार का होता है जो मिराबिलिस जलापा का होता है और जिसका व्यास होता है 200 मिमी होता है। ध्यान रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटे आकार का परागकण किस में होता है, बड़े आकार का किस में होता है, और इसका व्यास होता है जो सामान्यतः 25 से 50 मिमी होता है। परागकण की संरचना में दो स्तर पाए जाते हैं, जिसके डायग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे कि परागकण की संरचना में दो स्तर होते हैं कि जैसे ये लघु बीजाणु परागकण की संरचना है और इसकी संरचना में दो स्तर होते हैं। ये सबसे बाहर स्तर है जो आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर की ओर ये भाएचोल है एक्चाइल, ये है भाएचोल। भाएचोल क्या है, परागकण का सबसे बाहरी ये भारी स्तर है ये भाएचोल कहलाती है। सबसे बाहरी मोटा खुदरा, ये मोटा है खुदरा होता है, दांतेदार है, ये भाएचोल है। ध्यान रहे कि एक प्रकार से भाएचोल, तो भाएचोल क्या है, परागकण का सबसे बाहरी मोटा खुरदरा स्तर क्या कहलाता है, भाएचोल कहलाता है। ये भाएचोल है, ये खुरदरा होता है, ये खुरदरा है, मोटा होता है, अलंकृत होता है। अलंकृत का मतलब सजावटी होता है, अलंकृत
ये अलंकृत युक्त होता है, अर्थात यह एक प्रकार से दांतेदार भी हो सकता है, शोपानवत भी हो सकता है, कि अनेक प्रकार के सजावट युक्त होते हैं। तो ये बाएँ चोर होती है जो बाएँ स्तर है, अर्थात यह एक पदार्थ है स्पोरोकोलिनी, स्पोरोकोलिनी परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है जो स्पोरोकोलिनी से बना होता है, ध्यान रखने की बात है, स्पोरोकोलिनी से बना होता है। यही कारण है कि परागकण होते हैं जो जीवाश्म के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि स्पोरोकोलिनी इसका भौतिक व जैविक अपघटन होने से रोकता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है या बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परागकण की भाईचोल किससे बने होते हैं, स्पोरोकोलिनी से। या ऐसे भी प्रश्न आ जाता है क्या कारण कि परागकण जीवाश्म के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि इसकी भाईचोल होती है जो किससे बनी होती है, स्पोरोकोलिनी। क्योंकि आपको बताया गया था कि टेपिडम के द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ स्पोरोकोलिनी, जो पहले आपने पढ़ा था, जो भाईचोल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। कुछ स्थानों के ऊपर भाईचोल नहीं होती है, सॉरी कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर स्पोरोकोलिनी नहीं होता है, और यहाँ पर स्पोरोकोलिनी जमा नहीं है, इसे बोलते हैं जनन छिद्र। ये जनन छिद्र है, जनन छिद्र जर्म पोर बोलते हैं, जनन छिद्र है। और इन्हीं जनन छिद्रों से जब पराग कण का अंकुरण होता है तो पराग नलिका बाहर निकलती है। ध्यान रखें कि इनसे पराग नलिका बाहर निकलेगी, और द्विबीजपत्री में इनकी संख्या होती है जो तीन होती है, द्विबीजपत्री में तीन पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री में ये जनन छिद्र कितना होता है, एक होता है। द्विबीजपत्री में कितने होते हैं, तीन, जबकि एक बीजपत्री में कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है। तो ये भाईचोल होती है, सबसे बाहरी स्तर होता है जो किससे बनी होती है, स्पोरोकोलिनी, ध्यान रखना है। उसके बाद में है ये अंतःचोल है, ये अंतःचोल है, अंतःचोल अर्थात अंतःचोल क्या है, अंतःचोल परागकण का आंतरिक स्तर होता है जो अंतःचोल कहलाता है, ये आंतरिक स्तर होता है जो अंतःचोल कहलाता है, अर्थात यह सतत पतली परत होती है, ये सतत पतली परत है, पतली परत है, अर्थात ये सेलुलोज सेलुलोज वे पैक्टिन से बनी होती है। सेलुलोज जो है पैक्टिन, पैक्टोसेलुलोज भी हम कह सकते हैं, कि परागकण की जो अंतःचोल है जो किससे बनी होती है, सेलुलोज व पैक्टिन से या पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है, अर्थात यह पतली सतत परत है। जब परागकण का अंकुरण होता है तो अंतःचोल ही होती है जो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, यही अंतःचोल होगी जो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलेगी, और इसी के अंदर ये केंद्रक है, और साथ ही इसमें क्या है, रिक्तिका है। तो ये एक परागकण की संरचना है जिसमें दो स्तर हैं, अर्थात भाईचोल अंतःचोल, ये भाईचोल है, ये अंतःचोल है, अर्थात अंतःचोल आंतरिक स्तर होता है जो सेलुलोज पेक्टिन से बना होता है। इसके बाद में इसी परागकण के पराग पोलन प्रोडक्ट होते हैं, पराग उत्पाद, यदि हम बात करें कि पराग उत्पाद पोलन प्रोडक्ट, नंबर एक भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में कि परागकण का उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें अनेक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, अतः एथलेटिक्स खिलाड़ी होते हैं या विदेशों में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, उसके लिए भोज्य पदार्थ के रूप में पराग उत्पाद का उपयोग किया जाता है, पोलन प्रोडक्ट काम में लेते हैं, औषधि के रूप में या भोज्य पदार्थ के रूप में पोलन प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। नंबर दो सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक आइटम प्रसाधनों में, क्योंकि परागकण के अंदर एक असंतृप्त वसा पाई जाती है, असंतृप्त वसा पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है, अतः इसका उपयोग पोलन प्रोडक्ट होता है, इसका उपयोग होता है क्रीम होती है, इमल्सन होते हैं,
या एक प्रकार से अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम बनाने में किए जाते हैं, जो एक प्रकार से त्वचा को कोमल बनाते हैं और पराबैंगनी किरणों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इन पोलन प्रोडक्ट होते हैं, इनका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पराकरण की जो भित्ति होती है, इसके खाली स्थानों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो नमी को अवशोषित करके बाहर निकल जाती है, जो अनेक प्रकार के ज्वर हैं, दमा हैं, श्वसनी शौथ हैं, श्वसनी शौथ अन्य एलर्जी रोग उत्पन्न करती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें ज्वार है, चीनो बोडियम है, और इसी जो एक पार्थिनियम पादप है, पूछा गया क्वेश्चन है, पार्थिनियम पादप जिसे गाजर घास बोलते हैं, इसके पराकरण होते हैं जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पार्थिनियम पादप की कौन सी संरचना होती है जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है, तो आपको क्या बता रहे हैं, पराकरण। ज्वार है, चीनो बोडियम है, यानी पराकरण होते हैं जो क्या उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसके बाद में इसी पराकरण के जीवन काल की बात कर लेते हैं कि पराग जीवन काल क्या है, पराग जीवन काल क्या है, पराग जीवन काल, पराग जीवन काल, पराग जीवन काल क्या है, वह समय जिसमें पराकरण कार्यरत रहता है, जिसमें जो पराकरण होता है, पराकरण कार्यरत रहता है यानी कार्य करता है, उसे पराग जीवन काल बोलते हैं, अर्थात क्रियाशील रहेगा, अर्थात पराकरण का जीवन काल होता है। तापमान ध्यान रखने की बात है, तापमान, आर्द्रता व आनुवंशिक क्षमता, आनुवंशिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखें कि पराकरण का जीवन काल होता है जो तापमान, आर्द्रता व आनुवंशिक क्षमता होती है, इस पर निर्भर करता है। अनाज होते हैं, अनाज के पराकरण का जीवन काल होता है जो 30 मिनट का होता है, यानी 30 मिनट में के बाद में अपनी जीवन क्षमता होती है वो समाप्त कर देते हैं, यानी 30 मिनट का उसका जीवन काल होता है। यदि हम बात करें लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी जैसे मटर चना है, सोलानेसी कुल के पादपों का जीवन काल होता है, जो पादप है उनके पराकरण का जीवन काल होता है जो कई महीनों का होता है। तो पराग जीवन काल एक प्रकार से जिस समय में पराकरण कार्यरत रहेगा यानी कार्य करेगा, क्रियाशील रहेगा, इसे उसका पराग जीवन काल बोलते हैं। अनाजों के पराकरणों का जीवन काल 30 मिनट का है। कुछ अनेक प्रकार के फूल लेग्यूमिनेसी है, सोलानेसी है, इनके पराकरणों का जीवन काल होता है जो कई महीनों का होता है। कुछ प्रजातियों के पराकरणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, अर्थात जिसे पराग बैंक बोलते हैं, पोलन बैंक, पराग बैंक के नाम से जानते हैं। और पराकरणों को निम्न ताप के ऊपर संरक्षित करने की जो क्रिया होती है उसे क्रायो संरक्षण बोलते हैं, ध्यान रखें क्रायो संरक्षण, उसे कहा जाता है क्रायो संरक्षण, यानी पराकरणों को निम्न ताप के ऊपर संरक्षित करने की क्रिया एक प्रकार से क्या कहलाएगी, क्रायो संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये पराग जीवन काल है। तो पराग जीवन काल समझ चुके होंगे, इससे पहले आपने जो पराग जीवन काल से पहले जो पराकरण की संरचना के बारे में अध्ययन किया, पराग उत्पाद के बारे में बात किया कि पराग उत्पाद क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पराकरण की संरचना के बारे में पढ़ा कि दो स्तर होते हैं, एक भायचौल एक अंतःचौल। भायचौल के बारे में सभी को जाने कि भायचौल किससे बनी होती है, स्पोरो पोलन से, और अंतःचौल किससे बनी होती है, सेलुलोज़ पेक्टिन से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।